लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि विकास कार्यों को गति देने के लिए क्लस्टर बेस्ड ग्लोबल टेंडरिंग प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के तहत सड़कों के रखरखाव और नई सड़कों तथा पुलों के निर्माण का काम क्लस्टर आधारित ग्लोबल टेंडरों के माध्यम से होगा। इस मौके पर पूर्व विधायक अजय महाजन, SP अशोक रतन इत्यादि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित बनाना प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। अजय महाजन जी, इनका भी एक अच्छा योगदान रहा है और हमारे पिताजी स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, उनका इस इलाके के साथ बहुत विशेष लगाव था, प्यार था और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उसी तरीके से एक परिवार के सदस्य के रूप में यहाँ पे समय समय पर आते भी रहेंगे, यहाँ की समस्याओं को भी सुनेंगे और उसके कंसर्न फोरम्स में जो हमारे डिपार्टमेंट का करने का है उसको हम करेंगे, बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी से करने का है या और डिपार्टमेंट से करने का उसको भी हम रेगुलरली टेकअप करते रहेंगे ताकि एक कलेक्टिव तरीके से हम इलाके का विकास जो है वो करवा सकें। यहाँ पे जो इंडोर स्टेडियम बन रहा है, काफ़ी काम उसमें हो चुका है। इसमें मैं तो हमेशा कहता हूं कि हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है और ना ही इसमें कोई जो है इसमें हमको कोई ये क्लेम करना है कि क्रेडिट हमने लिया है या उन्होंने लिया है। पूर्व सरकार रही, पूर्व सरकार में मंत्री रहे राकेश पठानिया जी, उन्होंने भी इसमें एफर्ट्स किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि उनको भी हम इसके लिए उनको बधाई देते हैं। हम इसमें नहीं है कि हम हर चीज़ में पॉलिटिक्स करेंगे, उन्होंने एफर्ट्स किए पर नाउ इट इज़ आवर गवर्नमेंट, वी विल टेक इट फॉरवर्ड। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इसमें जो भी चाहे स्टाफ की कमी है, चाहे इसमें एडिशनल जो आपको बजट की आवश्यकता है, जो उसमें बाहर सिंथेटिक ट्रैक बनना है, जो एक साइड में PWD इसमें जो है वो शॉपिंग आर्केड बना रही है ताकि उसको सेल्फ सफिशिएंट करवाया जा सके, उसके इनकम को और सब चीज़ें उसका, और जो उसमें आपकी बिजली की जो कमी है उसमें ट्रांसफॉर्मर लगना है या और उसमें दो फेज और लगने हैं, उसके लिए भी मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर से बात करी है। जो एडिशनल फंड है वो इमीडिएटली उसके लिए सैंक्शन करवा दिया जाएगा। जो हमारे डिपार्टमेंट से होना है YSS से, उसको भी मैं वापस जाके शिमला जाके जो नेसेसरी उसमें एक्शन लेने की आवश्यकता है वो किया जाएगा। बट वी विल इंश्योर कि जो ये यहाँ पे जो बना है स्टेडियम बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बना है, इसको इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए हो, that will be our primary responsibility, उसको हम पूरा आने वाले समय में करेंगे। मेरा पूरा सहयोग जो है वो अजय महाजन जी के साथ और सभी यहाँ के जो हमारे साथी है उनके साथ इसके लिए रहेगा। और साथ ही साथ अभी जो हमने एक रूरल ओलंपियाड, ग्रामीण ओलंपियाड हिमाचल प्रदेश के अंदर करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा पीछे मैंने उसके बारे में काफ़ी चर्चा शिमला में करी थी, तो उसमें हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसको सितंबर अक्टूबर के महीने में हिमाचल प्रदेश के अंदर आयोजित करेंगे, जिसमें करीबन 40,000 यूथ प्रदेश के अंदर इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ऑल इवेंट्स अदर देन क्रिकेट, इसमें हम रूरल गेम्स को प्राथमिकता देंगे। हर ब्लॉक में ये करवाया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में करवाया जाएगा।